बिहार की ट्रेन में अब आपको यात्रा करने से पहले अपनी फोटो खिंचवानी होगी। सुनकर अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। दरअसल बिहार की ट्रेन में जनरल बोगी में यात्रा करने के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इसके अनुसार अब ट्रेन में बैठने से पहले मशीन के द्वारा आपकी फोटो ली जाएगी। तो क्या है पूरी खबर, वो जानने के लिए आपका हमारे साथ बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि खबर बड़ी है और जान लेना विस्तार से भी उतना ही जरूरी है। दरअसल जनरल बोगी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर अब जनरल बोगी में यात्रा करने को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब यहाँ पर जनरल बोगी में चढ़ने के लिए यात्रियों को ऑटोमेटिक क्यूइंग मशीन से होकर गुजरना होगा। ऑटोमेटिक क्यूइंग मशीन पर अंगूठे के निशान देने होंगे, जिससे कि मशीन पर लगा कैमरा यात्री की फोटो लेगा। ये फैसला दलालों की मनमानी को लेकर आ रही शिकायतों के बाद लिया गया है। बता दें कि लगातार डिवीजन के भागलपुर रेलवे जंक्शन पर जनरल बोगी में बैठने को लेकर दलालों की मनमानी को लेकर शिकायतें आती रही हैं। इसे लेकर मालदा डिवीजन में पहली बार भागलपुर जंक्शन पर इस सुविधा को यात्रियों के लिए लाया जाएगा। जून तक स्टेशन पर मशीन लग जाएगी। और इसे लेकर रेलवे PRO रूपा मंडल ने बताया है कि भागलपुर रेलवे स्टेशन से किसी भी मेल एक्सप्रेस जनरल बोगी में यात्रा करने वाले यात्री को पहले बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसके बाद ही रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने देगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप ट्रेन पर चढ़ने से वंचित रह जाएंगे। मतलब ये हुआ कि आपको ट्रेन में बैठने या घुसने नहीं दिया जाएगा। स्टेशन पर ऑटोमेटिक स्विंग मशीन जल्द ही लग जाएगी। वहीं स्टेशन पर तैनात सुरक्षाकर्मी पहचान के हिसाब से आधार कार्ड या फिर अन्य पहचान पत्र भी मांग सकते हैं। मालदा डिवीजन के PRO रूपा मंडल ने बताया है कि भागलपुर रेलवे जंक्शन पर लगातार दलालों की मनमानी की खबर आ रही थी। कई बार हमने भी आपको ये खबर बताई है कि किस प्रकार दलालों के चक्कर में रेल यात्रियों को काफी चूना लग जाता है, और इसकी खबरें लगातार आने के बाद अब रेलवे ने संज्ञान लिया है। रेलवे ने विशेष मशीन की खरीदारी के लिए टेंडर निकाला है। जून माह तक ये मशीन की सुविधा भागलपुर स्टेशन पर हो जाएगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि मशीन और जनरल बोगी के पास RPF जवानों की तैनाती भी होगी। ये भी बताया गया है कि यात्रियों को सामान्य बोगी में चढ़ने से पहले ऑटोमेटिक गिविंग मशीन की बायोमेट्रिक प्रणाली से गुजरना होगा। रेलवे की यह सुविधा अनाधिकृत प्रवेश को बंद करने के लिए दिया गया है। दलालों की मनमानी से बचने के लिए ये सुविधा बहाल की जा रही है। मालदा डिवीजन अंतर्गत भागलपुर में ये सुविधा सबसे पहली बार होगी। वहीं भागलपुर रेलवे स्टेशन पर सफल प्रयास के बाद अन्य स्टेशनों पर भी इस प्रकार की मशीन लगाई जानी है। इसके अलावा बायोमेट्रिक प्रक्रिया में यात्रियों को पहले अनारक्षित टिकट खरीदना होगा। वहीं स्टेशन में प्रवेश करते ही ऑटोमेटिक क्यूइंग मशीन पर अपने अंगूठे का इम्प्रेशन देना होगा, जिसके बाद मशीन का कैमरा यात्री की फोटो देगा। मशीन से एक टोकन निकलेगा जिस पर सीरियल नंबर होगा। टोकन दिखाने पर RPF पुलिसकर्मी आपको ट्रेन में चढ़ने देंगे, जिससे कि ट्रेन में अवैध रूप से चढ़ने वाले लोगों पर भी पाबंदी लग जाएगी। बहरहाल रेलवे की ये पहल तो काफी अच्छी है, क्योंकि ट्रेन आजकल देखा गया है कि ज्यादातर स्मगलिंग का साधन बन चुका है। ज्यादातर अपराधी उसी से सफर करते हैं और अपने अवैध सामानों को इधर से उधर ले जाते हैं। तो ऐसे में रेलवे की ये पहल उन लोगों से जरूर मुक्ति दिलाएगी, और अपराध का खात्मा करने में भी रेलवे में इसको कारगर माना जा रहा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।